भीखा बांध में अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। घटनास्थल पर हुई मौत, परिजनों को पोस्टमार्टम करा सौंपा गया शव। बता दें कि दरौंदा थाना क्षेत्र के भीखा बांध में आज भगवानपुर थाना क्षेत्र के रामपुर महेश चोरमा गांव निवासी अनिल कुमार दुबे के पुत्र मणिभूषण दुबे उर्फ सोनू दुबे की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। बता दें कि उसका शव एक अल्टो कार में पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों के जैसे ही उसके शव पर नजर पड़ी, स्थानीय लोग आनन फानन में तुरंत दरौंदा थाना पुलिस को सूचना दिया और उसके शव को सिवान के सदर अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई थी। वहीं बता दें कि परिजनों को इसकी सूचना दिया गया और पोस्टमार्टम करा शव को परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतक के भाई ने यह आरोप लगाया कि पटीदारों ने ही उसकी हत्या किया है। बीते कई दिनों से आपसी विवाद था, जिसको लेकर जान से मार देने की बार बार पटीदार धमकी दे रहे थे। वहीं आज उसकी हत्या कर दी गई है। बोले भैया कैसे हुआ था तो बता दीजिए। अभी इनको पता नहीं है कोई, तो कैसे बताएंगे? क्या नाम है इनका? सोनू दुबे। आपका भी सोनू दुबे नाम है? हाँ, मेरा नाम विनोद दुबे। कहाँ जा गए थे वो? घर का है? घर कहाँ है? रामपुर में है, मेरा भाई है। भगवान। बोले भैया कैसे हुआ था थोड़ा सा बता दीजिए। अभी इनको पता नहीं है कोई, तो कैसे बताएंगे? क्या नाम है इनका? सोनू दुबे। आपका भी सोनू दुबे नाम है? हाँ, मेरा नाम विनोद दुबे। कहाँ जा गए थे वो? मालूम नहीं घर का है। घर कहाँ है? रामपुर में है, मेरा भाई है। थाना कौन सा पड़ता है? थाना भगवान। बैठ ले लीजिए, मुझे सब जानकारी उन्हीं को पढ़ने पड़ा है। आप लोग सूचना मिलने पे यहाँ पे आ गए हैं? ये पता चला कैसे घटना हुआ है? तो अपराधियों के धर पकड़ के लिए कोई कार्रवाई आप लोगों की तरफ से? हाँ। क्या नाम है इनका जिनको गोली लगा है? नाम जिनका नाम मृतक का नाम है मणिभूषण दुबे। मणिभूषण दुबे सोनू, उम्र लगभग 21 वर्ष है। पिता का नाम अनिल कुमार दुबे है। ग्राम रामपुर महेश है, थाना भगवानपुर है, जिला सिवान। एक मिनट, आप बोलिए। रेखा मठिया घटना घटा है, हम लोग आए तो लेकर आए। वहीं पे छठदार रहे थे क्या? वो वहीं पे गोली लगने के बाद वहीं पे पड़े हुए थे? कितने लोग थे गोली मारने वाले? ये सब हम लोग पता नहीं। हाँ बोलिए। रेखा मठिया घटना घटा है, हम लोग आए तो लेकर आए। वहीं पे छठदार रहे थे क्या? वो वहीं पे गोली लगने के बाद वहीं पे पड़े हुए थे? कितने लोग थे गोली मारने वाले? ये सब हम लोग पता नहीं। कब हुआ था कुछ भी नहीं मालूम।